हफ्ते का आखिरी दिन स्वागत किया जाए हमारे एक्सपर्ट्स का, वक्त है पिक ऑफ द डे। कुणाल शाह साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, आई थिंक मार्केट्स में आप देखोगे तो लास्ट एक दो दिन से हमें कंसोलिडेशन का मूव दिखाई दे रहा है, बट विद इन द मार्केट थोड़े बहुत काउंटर्स है जहाँ पे एक अट्रैक्टिव बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है। उसमें से मेरा टॉपिक रहेगा आज के लिए वो है एलएनटी। एलएनटी आप देखोगे कि पिछले 3 दिन से लगातार लोअर एंड से हमें बाइंग मिल रही है। स्टॉक हमेशा एक हाई लो का फॉर्मेशन बना रहा है, प्लस उसकी जो क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस है उसके भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा खासा राउंडिंग का बेस भी बना दिया है स्टॉक ने। 2416 के आसपास स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है। आप करंट लेवल्स पे उसको इनिशिएट कर सकते हो बाय। स्टॉप लॉस रहेगा 2380 का डाउनसाइड पे। अपसाइड पे मैं जो टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो फर्स्ट रहेगा 2470 और सेकंड टारगेट रहेगा 2488 का। 2470 2488 दो टारगेट के लिए एलएनटी में करनी है आपको खरीदारी, ये राय है कुणाल शाह साहब की तरफ से। ONGC ये भी रेडार पर रहने वाला है। कुणाल शाह साहब जरा ONGC का चार्ट देखें, इनकी नई पाइपलाइन से गैस सप्लाई शुरू हो गया है, करीब 3.6 MMSCMD यूनिट्स आने वाली हैं इससे हर दिन। चार्ट्स क्या कहते हैं सर, कल करीब 1% नीचे था। सी आई थिंक ओवरऑल अगर ONGC का मैं लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखूँ तो स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है। कल के परसों के ट्रेडिंग सेशन की बात करूँ तो स्टॉक ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था वॉल्यूम्स के साथ। उसने पिछले एटलीस्ट 7 दिनों का हाई भी क्रॉस कर दिया था। कल के सेशन में थोड़ा हमने सेलिंग प्रेशर देखा, बट अभी भी अंडरटोन काफ़ी पॉजिटिव है। लोअर एंड पे जो सपोर्ट बन जाता है स्टॉक को वो है 156-155 के आसपास। सो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, आप करंट लेवल से भी उसको इनिशिएट कर सकते हो। लॉन्ग साइड पे रहना चाहिए, 156 का एक स्टॉप लॉस रखिए। अपसाइड पे ग्रेजुअली मूव स्टॉक अपसाइड को इसको 163-165 के लेवल तक लेके जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए ONGC जिस पर रखने हैं नजर। स्टेंडाल को थोड़ा कमजोर खुल रहा है 1% के कट के साथ, इसमें थोड़ी वीकनेस ओपनिंग पर दिख रही है। कुणाल शाह साहब, हिंडालको के चार्ट पर कोई राय आज के लिए, 416 के लेवल पर खुल रहा है हिंडालको। जहाँ तक मैं फर्स्ट तो मेटलिक सेक्टर की बात कर दूँ, जिस हिसाब से चाइना ने 1 महीने में 3 बार रेट कट किए हैं, आई थिंक मेटल एज अ सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा आगे जाके। सो मेटल पे ओवरऑल मेरा व्यू काफ़ी बुलिश है। जहाँ तक हिंडालको की बात है, स्टॉक अपने 20 SA में जो सिंपल मूविंग एवरेज है वहीं पर सपोर्ट ले रहा है। 418 उसका 20 SA में करंटली 420 के आसपास चल रहा है। सो यहीं पर अगर आपको 418 के ऊपर अगर सस्टेन करता है आज के ट्रेडिंग सेशन में, अगर यहाँ से हम इनिशियल ट्रेड में थोड़ा बाइंग दिखते हैं लोअर लेवल से, सो आई थिंक एक बाई करके मूव चलना चाहिए। कॉन्ट्रा व्यू रहेगा मेरा करंट लेवल से, अगर 418 के ऊपर जाता है तो आप बाय करिए। स्टॉप लॉस रहेगा 410 का। मैं जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपसाइड में वो है 427 से लेके 430 तक के। ओके, तो ये है आपके लिए हिंडालको। देखते हैं मेटल्स आज फोकस में रहेंगे, थोड़ी ग्लोबली सुस्ती बनी हुई है इस समय, बट कच्चे तेल के गिरने से ऑयल एंड गैस सेक्टर के कुछ स्टॉक्स फोकस में आ सकते हैं। ये काउंटर आइए, कुणाल शाह के पास एक कॉल है, चलते हैं उनके पास। बिगुल BTST। बताएं सर। दीपांशु, जिस हिसाब से मार्केट्स में एक ब्रेकडाउन दिख रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में, मेरा कॉल सेल साइड पे रहेगा और उसमें से मेरा जो पिक है वो है हैवेल्स। हैवेल्स आप देखोगे कि चार्ट स्ट्रक्चर पे क्लियर कट ब्रेकडाउन आ चुका है। स्टॉक ने सपोर्ट लेने की ट्राई की थी 1310-11 के आसपास, वो सपोर्ट भी टूट चुका है। तो करंट लेवल्स पे आप हैवेल्स का जो फ्यूचर है जो 1310 के आसपास चल रहा है वहाँ पे आप सेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा अपसाइड में 1340 का। अब डाउनसाइड पे मैं जो टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो फर्स्ट है 1250 और सेकंड टारगेट है 1235 का। ओके, तो बेचने की राय यहाँ पर हैवेल्स में आपके लिए आती हुई इस वक्त कुणाल शाह साहब की तरफ से। कुणाल शाह साहब भी दे रहे हैं अपनी तरफ से एक बेहतरीन पिक, आइए उनके लिए भी बिगुल। कुणाल जी बताएं सर। सी आई थिंक अनिल जी, मार्केट में जैसे वीकनेस है बट एक स्पेसिफिक काउंटर है जहाँ पे मुझे अच्छी खासी बाइंग वॉल्यूम्स के साथ आज के सेशन में दिखी है और कैश काउंटर है। स्टॉक का नाम है पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार आप देखोगे आज के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ गया है डेली चार्ट पे। वॉल्यूम्स के साथ ये बाइंग हुई है। स्टॉक करंटली 675 के आसपास चल रहा है, आप करंट लेवल्स पे इसको बाय इनिशिएट कर सकते हो। स्टॉप लॉस डाउनसाइड पे रहेगा वो है 650 जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसका। ये जो फ्रेश ब्रेकआउट आया है ये स्टॉक को वापस एक अच्छा खासा 5-6% का मूव अपसाइड में देख सकता है। तो मेरे टारगेट्स रहेंगे इसमें 710 से लेके 730 तक के। सो पॉलिसी बाजार आप करंट लेवल्स पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। और सारे के सारे ये स्टॉक्स न्यू एज ई कॉमर्स कंपनियों के बेहतर
दिख रहे हैं यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपके लिए। बिल्कुल भी ये शो मिस मत करिएगा। सिद्धार्थ जी विशेष तक अगर आपको वो इंटरव्यू अच्छा लगा तो ये शो भी उतना ही अच्छा या हो सकता है उससे ज़्यादा बेहतर लगे, तो ब्रेक के बाद भी देखिएगा जरूर। फिलहाल विदा लेंगे। सिद्धार्थ जी, कुणाल जी, जय ठक्कर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुमित जी और राजेश पालिया साहब, अमृतसर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमें समय देने के लिए। छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद मैं और दीप आपके लिए लेकर आ रहे हैं डब्बा ट्रेडिंग का माया जाल। इस शो का समापन करेंगे देश के प्रति सम्मान के साथ। आइए, जय हिंद।